हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे बिहारी स्टाइल में जो हमारे साइड में बनते हैं उन्हें ये कहते हैं, इन सब्जी को कचड़ी की सब्जी कहते हैं, जो हम मसूर के दाल में बनाते हैं। तो इसको मैंने सोख कर लिया है। 2 कप मैंने मसूर का दाल लिया है और उसमें पानी डाल के मैंने सोख कर लिया 2 घंटे के लिए। फिर 2 घंटे बाद मैंने इसमें ग्राइंडर में पीस लिया है। फिर हमने एक निकाल लिया है बाउल में। अब उसमें हम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे, अकेलौंजी डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी प्याज डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो हम इसकी छोटी छोटी गोली इसमें बना लेंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने छोटी छोटी लोई इसमें बनाई है और हम इसे ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे और अच्छी तरह से हम इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी जो मसूर दाल की कचरी की फुलौरी है वो बन चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। अब मैंने ले लिया है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब मैंने ले लिया 1 कटे हुए प्याज और 1 कटे हुए टमाटर। इसको मैंने थोड़े से ब्राउन कर लिया है और ब्राउन करके थोड़ी देर हम इसे ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारे धीरे धीरे जो प्याज और टमाटर हैं ग्रेवी के लिए वो हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और इसे इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए अब हम कढ़ाई में फिर से तेल ऐड करेंगे। अब इसमें 1 और प्याज ऐड डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी प्याज जो है भुन चुकी है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। ये देखिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐड कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे मसालों के साथ और स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये देखिए हमने नमक ऐड कर दिया है, डाल दिया है नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए, तो अपने अनुसार इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाल लिया है इसमें ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा पतली और ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब जो हमने दाल की वो कचरी बनाई थी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे उबाल आने तक इसे पकने। तो ये देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गई हैं। तो हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे चावल के साथ।